उज्जैन के उदड़खड़ा हनुमान मंदिर और अन्य हनुमान मंदिरों पर हनुमान अष्टमी की तैयारियां आरंभ कर दी गई है। इसके लिए मंदिरों में सजावट की जा रही है। शहर में कई प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां पर भक्त पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। हनुमान अष्टमी की तैयारी अब हनुमान मंदिरों में दिखाई देने लगी है। उज्जैन के बड़नगर रोड पर उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर, सूर्यमुखी हनुमान मंदिर, उत्तरमुखी हनुमान मंदिर आदि में साज सज्जा और धार्मिक रामायण पाठ अनुष्ठान आरम्भ हो गए। शहर में हनुमान अष्टमी का बड़ा ही खास महत्व रहता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तुम तो काल भात जमलावा, बार बार मोहिला जी बुलावा। अब जन दे दोष होई लोगो, कत बाटी पालक बद जोगो। बाता जा दोषिक का चमे अपराधु, पाल दोष कुन गन इन साधु। सुधर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक दीन तुम्हारे। आगाज सुनो कह रदे हती, मुनि हरि अरि तू जय। बूझा बूझ कहे लखन मुनि सील, तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज की प्रेरणा से उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध श्री उजड़खेड़ा हनुमान जी मंदिर पर हनुमान अष्टमी के अवसर पर श्री राम मारुति यज्ञ और श्री रामचरित मानस के पारायण का पाठ शुरू हो चुका है। यज्ञ पूर्णा होती 6 जनवरी हनुमान अष्टमी के शुभ अवसर पर होगी। और इस बार हमारे यहाँ जो भंडारा होता है उसमें थोड़ा सा हमने रूप का बदला है, क्योंकि कोविड के कारण हम लोग इस बार फूड पैकेट वितरित करेंगे और यहाँ पर ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन हो। तो किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर, हनुमान अष्टमी के पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। इसलिए हम लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। वो उज्जैन की धार्मिक आस्था के केंद्र है, हम काफ़ी दर्शन से यहाँ पर। कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद और किस प्रकार? बहुत प्रसन्न। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर आते रहते हैं और क्या लगता है? तो हमारे तो 3 दिनों से हम लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ पर यह कौन सा रामायण पाठ किया जा रहा है और कैसा लगता है यहाँ पर? रामायण का अखंड रामायण जी का पाठ चल रहा है। और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर होंगे? यहाँ पर 3 दिन का अभी चलित भंडारा वगैरह होगा। अभी हनुमान अष्टमी से 3 दिन तक चलन कार्यक्रम चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।